हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैं सागर पटेल आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूं, जिसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी इन मल्टीप्लाई। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो की अपडेट आपको तुरंत से तुरंत मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए वन डिजिट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम टू मल्टीप्लाई थ्री लें तो ये सिंपली टेबल से मल्टीप्लाई की जा सकती है, लाइक थ्री टू जा सिक्स। सो इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा। सो हम लेते हैं टू डिजिट लाइक 15 एंड 14, देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 5 4 जा 20, देन 0 2 कैरी ऑन, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, देन एक क्रॉस का साइन, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 0 6 5 11 1, 1 कैरी ऑन, 2 10। बट आज हम इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के दौरान ये सीखेंगे कि ये जो बीच का स्टेप है, इसे हम बिना किए ही हमें ये 210 गेट करना है, वो भी 15 मल्टीप्लाई 14 को करने के बाद ही। तो चलिए हम उस ट्रिक की तरफ पढ़ते हैं। उस ट्रिक के दौरान हमें 15 मल्टीप्लाई 14 को विदाउट इस वाले सॉल्यूशन के किए ये वाला सॉल्यूशन गेट करना है। सो 15 मल्टीप्लाई 14 को उस ट्रिक से कैसे करना है, बाय अ डेमो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट हमें इसमें कोई नंबर लेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लेट कर रखा है 15 एंड 14। सो हम इन डॉट्स को 15 एंड 14 गेट कर लेते हैं। तो इस ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, बस और ट्रिक कंप्लीट। सो इस ट्रिक को करने के लिए हमें फर्स्ट 5 एंड 4 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो 5 एंड 4 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस। जब हम इस वाले फर्स्ट स्टेप को कर लें, देन सेकंड स्टेप में हमें क्रॉस करना होगा लाइक दिस, यानी 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 1। देन अगर इस स्टेप को हम कर लें, देन अगले स्टेप पे हमें ये वाला इन दोनों फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस 1 मल्टीप्लाई 1। सो आइए इसको हम डायरेक्टली नंबर पे ही लागू करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 14 अगर हम लें, सो हमने फर्स्ट स्टेप में सीखा कि हमें इधर वाले दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20, तो हमें 0 लेना है एंड 2 कैरी ऑन लेना है। देन हमने आगे बढ़े कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 मल्टीप्लाई 1 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 1 4। हमें इसे राइट नहीं करना है, हमें इसे ऐड करना है। देन 5 4 9 9 2 11। सो 11 का हमें 1 लिखना है एंड अगेन 1 कैरी ऑन लेना है। सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हमें फर्स्ट के टू डिजिट को मल्टीप्लाई करना था, यानी 1 मल्टीप्लाई 1, देन 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड जो 1 हमारा कैरी ऑन था, 1 प्लस 1 2, यानी 210, जो कि हमारा आंसर यहां आया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक रिप्ले यहां पे दोबारा चलाता हूं। लाइक हमने यहां पे 15 एंड 14 को लिया था, और हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से करने के लिए 5 एंड 4 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, 0 एंड हमारा जो 20 का 2 था वो 2 हमें कैरी ऑन लेना है 2, एंड देन हमारा था क्रॉस मल्टीप्लाई, सो हमें करना है 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 क्रॉस। बट हमें यहाँ पे नहीं लिखना, हमें इस साइड लिखना है जो हमारा कैरी ऑन था उसके नीचे, एंड देन हमें कैरी ऑन के समेत जो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया उन सबको ऐड करना है, लाइक 5 4 9 9 टू 11, सबको ऐड करने पे हमारा 11 आया। तो 11 का हमें 1 लिखना है एंड अगेन 1 कैरी ऑन ले लेना है। देन अगले स्टेप में हमारा क्या था, फर्स्ट बोथ नंबर को मल्टीप्लाई करना, यानी 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 आता है, देन अगेन जो हमारा कैरी ऑन था उसके नीचे लिखना है, 1 प्लस 1 2, देन हमें यहाँ पे राइट करना है लास्टली 2, 210 हमारा आंसर यहाँ आ गया। तो अगर आपको लगता है ये चीटिंग है, तो हम दूसरे नंबर पे इसे लागू करके देखते हैं। लाइक हमने 15 14 लिया था, हम लेते हैं 17 एंड 13। सो हमें इसके दौरान फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21, 1 लिखना है एंड 2 कैरी ऑन लेना है जैसे कि हमने यहाँ किया था। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक करना है, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3,
मैंने पहले बताया था आपको यहाँ राइट नहीं करना है, आपको इस साइड लिखना है जहां पे हमने कैरी ऑन ले रखा है। देन सबको ऐड करना है, 7 + 3 = 10, 10 + 2 = 12। देन हमें 12 का 2 लिखना है और 1 कैरी ऑन ले लेना है अगेन यहाँ पर। देन अगले स्टेप में हमारा क्या है, लास्ट स्टेप, हमें फर्स्ट बोथ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × 1, 1 × 1 = 1, और जो हमारा कैरी ऑन था 1 उसे भी ऐड करना है साथ में, 1 + 1 = 2। सो हमारा आंसर आएगा 221। देन हम अगेन 1 वाले डिजिट को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, लाइक 27 and 24। सो हमें अगेन इस वाले फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, तो इससे 7 × 4 = 28, 8 2 कैरी ऑन, 4 × 2 = 8, 8 + 4 = 8, यहाँ पे 8 लिखना है, 7 × 7, 7 × 2 = 14, हमें 14 यहाँ लिखना है। देन इन सबको ऐड करना है, लाइक 8 + 2 = 10, 10 + 4 = 14, 4 यहाँ, 1 कैरी ऑन, 1 + 1 = 2, यानी 24। 24 का हमें 4 लिखना है, 2 अगेन कैरी ऑन लेना है। देन 2 × 2, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इस वाले स्टेप में, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 + 2 हो जाएगा हमारा 6, यानी 6, 48 इज द आंसर। सो यही था इस मल्टीप्लीकेशन ट्रिक में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 डिजिट का भी मल्टीप्लाई ट्रिक लेके आऊं, सो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।